स्टूडेंट, इसके पहले आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो डेफिनेटली वहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का एग्जिस्टेंस आपको समझाया था। आज हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो एक करंट के बारे में हम सोचे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे कैरी करते हैं कि हम एक करंट के बारे में सोचे तो हमारे पास मान लीजिए कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है इस तरीके का। हम इसमें करंट तब फ्लो कर सकते हैं जब हम इसके दोनों एड्स पे कोई कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें लाइक दिस, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिस्टेंस है वो इलेक्ट्रॉन्स किसी एक डायरेक्शन में मूव करे, और जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हम करंट के बारे में सोच सकते हैं। तो डेफिनेटली किसी भी सॉलिड स्ट्रक्चर में जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है उस इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को हम करंट के एग्जिस्टेंस से नापते हैं। तो यहां पे अगर हम करंट को डिफाइन करें तो एक करंट का डेफिनेशन क्या होता है, अगर हम लोग आई से रिप्रेजेंट करें तो इसको हम लिखते हैं दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और यहां पे चार्ज अगर हम बात करें तो इन जनरल अभी तक हम इलेक्ट्रॉन्स को ही चार्ज मानते थे और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से ही हम करंट के एग्जिस्टेंस को समझ पाते थे। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास दो प्रकार के चार्ज कैरियर्स होते हैं। सो वो दो प्रकार के चार्ज कैरियर्स कौन कौन से होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स होता है और एक होल्स होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का एग्जिस्टेंस एक सेमीकंडक्टर के अंदर कहां पे है और इन दोनों के मूवमेंट को हम लोग करंट पे क्यों कंसिडर करते हैं। उसके लिए मैं सपोर्ट लूंगा यहाँ पे दोनों का। आपने मेरा प्रीवियस सेक्शन में प्रीवियस लेक्चर में बॉन्ड डायग्राम और बैंड डायग्राम दोनों देखा था, तो मैं यहाँ पे बॉन्ड डायग्राम और बैंड डायग्राम दोनों का हेल्प लूंगा आपको ये बात समझाने के लिए कि एक सेमीकंडक्टर में दो प्रकार के चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट को करंट से कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन करंट भी होता है और यहाँ पे हमारे पास होल करंट भी होता है। लेकिन इन जनरल हमको ये बात समझना पड़ेगा कि करंट एग्जिस्टेंस कब हो सकता है, जब आप कोई एक्सटर्नल वोल्टेज लगाए। तो ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स है ये एक्चुअली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब है जब भी हम एक्सटर्नली किसी सेमीकंडक्टर को या कंडक्टर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तब जाके उसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है। एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तभी उसमें करंट फ्लो होगा, और एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पे हम जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनर्जी एक वोल्टेज है या फिर आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये हमारा हो गया एक करंट के बारे में समझने का तरीका, और हम सेमीकंडक्टर्स के स्ट्रक्चर के थ्रू इस इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को सबसे पहले खोजेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसमें करंट कैसे एग्जिस्ट करता है। तो अब यहाँ पे हम इस बात को हटाते हैं और यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक बॉन्ड डायग्राम और एक बैंड डायग्राम। तो हम एक सेमीकंडक्टर में सबसे पहले बॉन्ड डायग्राम बनाए तो हमको ये पता है कि एक सेमीकंडक्टर के अंदर काफी सारे एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर को ड्रॉ करूं तो आपको ये पता है कि काफी सारे एटम्स उसके अंदर बहुत ही पास पास अरेंज होते हैं कुछ इस तरीके से, और ये जो अरेंज सेमीकंडक्टर है इनके बीच का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कितना है, 7 एंगस्ट्रॉम। तो बस उसी को हम एक एक पावर ग्लास से थोड़ा उसको स्पेसियस करते हैं और देखते हैं कि एक सिलिकॉन एटम्स जो सेंटर पे है वो सिलिकॉन एटम्स किस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने नेबर एटम्स के साथ शेयर करता है। तो यहाँ पे मैंने सेंटर पे एक सिलिकॉन एटम बनाया और उसके पास भी मैंने काफी सारे सिलिकॉन एटम्स इस तरीके से बनाए ताकि हम ये समझ सके कि एक सेमीकंडक्टर में बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स होते हैं जो कि बिल्कुल पास पास अरेंज होते हैं ये ऐसा। तो मैं यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से, बात को समझिएगा, और उसके बाद इनके बीच में शेयरिंग चालू होगी और ये हो गया ये शेयरिंग, ये ऐसा शेयरिंग चालू होगी, ठीक है, और ये ऐसा शेयरिंग चालू होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एक्चुअली एक एक करके आप समझिएगा, ये कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड, जो दो एटम्स है उनके बीच में शेयरिंग की वजह से हो रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे करंट फ्लो करना है तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ये तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया एनर्जी, कोई भी स्टूडेंट ये बता देगा कि अगर मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ एनर्जी किसी भी फॉर्म में तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन अपने उस एनर्जी लेवल पे नहीं रह पाएगा, एनर्जी स्टेट्स पे नहीं रह पाएगा जहां ये एग्जिस्ट करता है,
क्योंकि एनर्जी गेन करेगा तो डेफिनेटली इसका स्टेट ऑफ एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो कि अभी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आया क्योंकि इसको एनर्जी मिली और ये इलेक्ट्रॉन अभी यहां एग्जिस्ट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां एग्जिस्ट करता है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, इस एरिया को हम बोलते हैं इंटर एटोमिक स्पेस। और इंटर एटोमिक स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, जो किसी भी प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर नहीं है, उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ये इलेक्ट्रॉन कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इसका मतलब है यहां से हम लोगों ने इस इलेक्ट्रॉन को हटाया और यहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गया। क्यों वैकेंसी, इसलिए वैकेंसी क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डेफिनेटली यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गया। अब आप देखिए ये जो सिलिकॉन एटम्स हैं, ये सिलिकॉन एटम के आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल पे ये इलेक्ट्रॉन था, अब वहां से हट गया, तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस पोजिशन पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यहां पे पोजिशन एक वेकेंट स्पेस आ गया, इस पोजीशन पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अगर एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं, ठीक है, समझिएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट पे मूव कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन अगर इस जगह पे आ जाए तो डेफिनेटली यहां पे ये वैकेंसी खत्म हो गया। अगर यहां वैकेंसी खत्म हो गया तो अब वैकेंसी कहां चलेगी, अब वैकेंसी चलेगी इस जगह पे, समझिएगा मेरी बात, अब वैकेंसी चलेगी इस जगह पे। अभी फिर से इस कोवेलेंट, पहले इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर एक वैकेंसी थी, अभी इस वाले कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर एक वैकेंसी। तो अब आप देखिए, मैं बोल सकता हूं कि वैकेंसी का मूवमेंट हो रहा है, कैसे, आप देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, वैकेंसी इधर से इधर चला गया, तो वैकेंसी का मूवमेंट हो रहा है, मतलब खाली जगह का मूवमेंट हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में हमें कौन मूव कर रहा है, एक्चुअली में ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स था, अब इसका नाम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्यों है, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर है वो सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, जितने भी इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड के बाहर इंटर एटॉमिक स्पेस में वो सारे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपना स्पेस छोड़ के दूसरे बॉन्डेड दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर चला जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन फिर भी बॉन्डेड है, यहां भी बॉन्डेड था, यहां भी बॉन्डेड है, लेकिन हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि एक्चुअली में फ्री स्पेस जो है वो मूव कर रहा है। क्यों, ये हम एनर्जी बैंड डायग्राम से समझेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको एक विजुअलाइजेशन दिखाने की कोशिश की, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये जो पोजीशन है जो कि एक वेकेंट स्पेस है, ये होल है, और अगर हम लोग होल्स को डिफाइन करें तो होल को डिफाइन कर सकते हैं, ये होल जो है तो और होल को डिफाइन कर सकते हैं हम, यहां पे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड। सो अगर कोवेलेंट बॉन्ड में कोई इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस ना हो, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉन से, अगर एक इलेक्ट्रॉन ना हो तो उस कंडीशन में हम वहां पे बोलते हैं कि वहां पे एक वैकेंसी एग्जिस्ट है, और उस वैकेंसी को या खाली जगह को हम होल के नाम से जानते हैं। तो ध्यान से देखिएगा यहां पे हुआ क्या, यहां पे हुआ ये कि हमारे पास एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन इस वाले कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर था वो नेक्स्ट वाले कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर चला गया, तो वो जो इलेक्ट्रॉन इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर था उस इलेक्ट्रॉन को हम किस नाम से जानते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं, दैट इज नोन एज बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ये जो है ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन और है जो कि एनर्जी के प्रोवाइड करने से अपने कोवेलेंट बॉन्ड को छोड़ के ही बाहर चला गया, और उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या नाम देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे ध्यान से देखेंगे तो हमको ये दिख रहा है कि हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, एक हो रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट और दूसरा हो रहा है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। ये देखिए ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस तरफ चला गया, मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड से दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन हम उसको किस तरीके से देख रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं कि एक्चुअली में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ही मूव किया है, हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही मूव किया, और वो जो इलेक्ट्रॉन है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर था तो वो एक कोवेलेंट बॉन्ड से दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड में चला गया। लेकिन सेमीकंडक्टर फिजिक्स में उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम होल के मूवमेंट से देख रहे हैं, और हम ये बोल रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मूव किया है उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होल मूव किया है, क्योंकि वैकेंसी जो यहां थी अब वो वैकेंसी यहां है, और उसी को हम लोगों ने होल्स के डेफिनेशन के अनुसार देखा है।
तो यहाँ एक बहुत ही परफेक्ट आइडिया हमको हो गया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन रेंडमली इंटरएटमिक स्पेस में कहीं भी घूम सकता है और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी नहीं घूम सकता, वो एक कोवेलेंट बॉन्ड से दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड में जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है और वो एक कोवेलेंट बॉन्ड से दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड में जा रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम एक्चुअली होल के मूवमेंट की तरह देख रहे हैं। इसका रीजन क्या है ये हमको पता चलेगा एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू। तो हम यहाँ पे एक एनर्जी बैंड डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं और उसके अनुसार ये समझने की कोशिश करते हैं। तो एक सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम, जब उसको कोई भी एनर्जी नहीं प्रोवाइड की गई है, आप ध्यान से देखिएगा ये एनर्जी गैप है और मैंने आपको बताया था कि ये ईसी है और ये ईवी है। यहाँ पे हमारे पास काफी सारे एनर्जी स्टेट्स हैं और इस एनर्जी स्टेट्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिस्टेंस है। कब? सारे एनर्जी स्टेट्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है कब? जब हम लोगों ने एक्सटर्नली कोई भी एनर्जी एक्सटर्नली प्रोवाइड नहीं किया है। और ये कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड में हमारे पास काफी सारे स्टेट्स हैं लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिस्टेंस नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे सारे में इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिस्टेंस है। अब मैं प्रोवाइड करता हूं एनर्जी, एनर्जी मतलब ये वोल्टेज सोर्स। अब देखिए यहां से प्रोवाइड किया मैं एनर्जी, ये हो गया मेरा एनर्जी का सोर्स किसी भी तरीके से। तो यहां से कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पोजीशन को छोड़ के इंटरएटमिक स्पेस में गया था। सिमिलरली इंटरएटमिक स्पेस मतलब एनर्जी बैंड डायग्राम है वो कंडक्शन बैंड, तो ये चला गया कंडक्शन बैंड, ये चला गया कहां? कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? यहाँ पे एक खाली जगह क्रिएट हो गया या फिर वैकेंसी क्रिएट हो गया जहां पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है, क्योंकि ये तो एनर्जी स्टेट है और इस एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकता है। जहां पे एनर्जी स्टेट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मिडन एनर्जी क्या है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब आप देखिए जब तक हम लोगों ने एनर्जी प्रोवाइड नहीं किया था उस समय कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। अगर हम चाहते हैं कि कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हम करंट फ्लो करवाएं बिना एनर्जी प्रोवाइड किए, तो ये पॉसिबल था क्या? अब देखिए यहां पे जब इलेक्ट्रॉन आया बाय प्रोवाइडिंग सम एनर्जी, तब जाके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पे काफी सारे एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल है जो कि वेकेंट है, और इस एनर्जी स्टेट्स में ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये रेंडमली कहीं भी मूव कर सकता है। तो इसका मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास काफी सारे एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब आप देखिए जब मैंने एनर्जी प्रोवाइड, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब मैंने एनर्जी प्रोवाइड नहीं किया था तो ये सारे एनर्जी स्टेट्स फील्ड थे। नहीं किया था तो सारे एनर्जी स्टेट्स कैसे थे? फील्ड थे, सारे में इलेक्ट्रॉन था। किसी भी इलेक्ट्रॉन की एक मजाल है कि वो अपना स्पेस छोड़ के सेम एनर्जी लेवल पे कहीं पे जा सके? नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मतलब ये जो है ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं? ध्यान से सुनिएगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। लेकिन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स उस समय तक मूव नहीं कर सकते जब तक उनके पास कोई वैकेंसी नहीं हो, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस समय तक नहीं मूव कर सकते जबकि उनके पास ये एनर्जी स्टेट्स ना हो। ध्यान से, अब मैं सिर्फ यहां की बात करूंगा कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कब मूव कर सकते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड से दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड। उसके लिए उसको नीड पड़ेगी एक वैकेंसी की, बिना वैकेंसी ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते। और वो वैकेंसी कब मिलेगा? जब आप एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो और कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, उसको वैकेंसी मिला, अब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक कोवेलेंट बॉन्ड से दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड में मूव कर सकता है। तो हमको यहाँ पे नीड क्या है? हमको यहाँ पे नीड है वैकेंसी। तो वैकेंसी वो रीजन है जिसकी वजह से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, इसी वजह से हम उस वैकेंसी का नाम होल रखे हैं। और जिस रीजन से वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है उसी रीजन को हम लोगों ने उसके करंट का नाम दिया, इसलिए हमारे पास होल करंट है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक कोवेलेंट बॉन्ड से दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड में तभी मूव कर सकता है जब उसके पास कोई वैकेंसी हो। जब तक वैकेंसी नहीं है तब तक वो मूव नहीं कर सकता। तो वैकेंसी इज द रीजन फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम उसको उस वैकेंसी के नाम से ही करंट के नाम से जानते हैं, और उस वैकेंसी का नाम क्या है? होल करंट। उसी प्रकार फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोई था नहीं, इनिशियली नहीं था, तो अब यहाँ पे अगर कंडक्शन बैंड में अगर हम करंट फ्लो करना चाहें जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि सारे इंटर एटॉमिक स्पेस में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है।
तो हमको यहाँ पे रीजन क्या है जिसकी वजह से करंट मिल सकता है, वो रीजन है कि फ्री, यहाँ पे एक हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन एसेंशियली होना चाहिए। जब तक ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक इस रीजन में कंडक्शन बैंड में करंट फ्लो नहीं हो सकता। जब तक इंटरएटमिक स्पेस में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक इंटरएटमिक स्पेस में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर सकता। उसी प्रकार जब तक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर वैकेंसी नहीं आएगा तब तक कोवेलेंट बॉन्ड में कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता। इसलिए हम कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर वाले करंट को होल करंट नाम दिए और कोवेलेंट बॉन्ड के बाहर वाले करंट को हम इलेक्ट्रॉन करंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हो गया हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट का। आप ये समझिएगा जो रीजन है उसी के नाम से हम करंट का नाम रखे हैं। तो यहाँ हम इसको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का करंट नहीं बोलते क्योंकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो पहले भी अवेलेबल था और उसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि हर एक एनर्जी स्टेट्स पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे। तो मूव करने के लिए एक वैकेंसी की जरूरत थी और वो वैकेंसी हमको होल्स के रूप में मिला, इसलिए हम उसका नाम होल करंट के नाम से रखे हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया डिस्कशन है। इसके बाद आप एंजॉय कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रॉन करेंट और होल करेंट के बारे में और उसको हम नोट डाउन करेंगे।